नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज यहाँ पर एक अन्य जो माननीय हाईकोर्ट जोधपुर बेंच का जो डिसीजन है उसकी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर ये मामला है, जिसको लेकर सिविल रिट पिटिशन नंबर 79/2024 शहजाद अहमद और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू इट्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डीओपी गवर्नमेंट सेक्रेटरेट जयपुर, सेक्रेटरी फाइनेंस बजट राजस्थान मदरसा बोर्ड और द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइनर एंड क्वफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेक्रेटरेट जयपुर, इनको यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। साथ ही एडवोकेट विक्रम सिंह भावला की ओर से यहाँ पर पैरवी की गई, जिसमें हॉनरेबल जस्टिस रेखा जी द्वारा जो है वो जजमेंट यहाँ पर 22 मई 2024 को जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या जजमेंट इन्होंने दिया गया है और जो आगामी जो सुनवाई है वो कब है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवोकेट विक्रम सिंह जी भावला ने यहाँ पर पैरवी की है राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 को लेकर। क्या कुछ है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड को कंप्यूटर अनुदेशक बनाने के लिए मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता शहजाद अहमद व अन्य जो कि वर्ष 2003 में विज्ञप्ति से, जिसमें योग्यता बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड और बीपीई की योग्यता पर चयन हुआ, उसके बाद में 11 मई 2023 को स्क्रीनिंग पश्चात शिक्षा अनुदेशक बनाया गया। वह इनका जो मानदेय वो 16,900 किया गया, जिसके पश्चात 10 जुलाई 2023 को आदेश संशोधित कर वह 11 मई 2023 में एक कंडीशन डाली गई कि बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड को ही शिक्षा अनुदेशक बनाया जाएगा, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय ने वेतन 16,900 हो, इस तथ्य को कंसीडर करते हुए मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वह माननीय उच्च न्यायालय में दो सीट में सेट में नोटिस जारी किया है, जिसमें फर्स्ट नोट जो सेट का है नोटिस का वो हाईकोर्ट भेजेगा। वह फर्स्ट जो एक जो अन्य सेट है नोटिस का वो पार्टी तामील करवाने के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर करवाएगी, और इसकी जो पावती रसीद है वो भी माननीय हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पर वर्ष 2003 में एक विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक को यहाँ पर के आवेदन मांगे गए, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक की जो योग्यता थी बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड व बीपी की योग्यता रखी गई, और जिसके आधार पर काफ़ी अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ। लेकिन वर्ष 2023 में 11 मई 2023 को स्क्रीनिंग पश्चात शिक्षा अनुदेशक इनको बनाया गया, वो मानदेय 16,900 किया गया। इसके पश्चात एक जो आदेश है उसमें संशोधित हुआ, 10 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया गया, संशोधित किया गया, जिसमें 11 मई 2023 का जो एक आदेश था जिसमें इनको शिक्षा अनुदेशक बनाया गया, वह मानदेय 16,900 किया गया, उसमें एक कंडीशन डाल दी गई कि जो योग्यताधारी बीएसटी जो कार्मिक जो हैं, बीएसटीसी है, बीएड है और डीएलएड है, उन्हीं को केवल और केवल शिक्षा अनुदेशक बनाया जाएगा और मानदेय 16,900 किया जाएगा। जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष भी रखा कि सर, वर्ष 2003 में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें स्पष्ट डायरेक्शन थे कि आप भी शामिल हैं, लेकिन इनको यहाँ पर इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसको लेकर एडवोकेट विक्रम सिंह जी भावला की ओर से पेटिशनर ने याचिका दर्ज करवाई और अपना पक्ष माननीय हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में रखा। साथ ही इन्होंने मानदेय अपना पक्ष रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि जो 16,900 का जो
कम तथ्य है, इसको भी कंसिडर किया जाए। और जिसको कंसिडर करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने दो सेट में नोटिस जारी किया, जिसमें एक सेट जो है पार्टी तामील करवा कर तामील रसीद पेश करेगी कोर्ट में, पावती रसीद पेश करेगी, और एक जो अन्य जो सेट है वो हाईकोर्ट यहाँ पर संबंधित पार्टी को भेजेगा। तो आप देख सकते हैं शहजाद अहमद एंड आदर्श बनाम राजस्थान राज्य का जो केस है 1996/2024 वो यहाँ पर दायर हुआ। और उसकी पैरवी करते हुए एडवोकेट विक्रम सिंह जी भावला जो काउंसिल फॉर पेटिशनर है उन्होंने यहाँ पर पैरवी की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने 16,900 रुपये मानदेय करने की डिमांड यहाँ पर की है। वर्ष 2003 में इनकी विज्ञप्ति जारी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ मुस्लिम क्लब्स जलेब चौक जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें जो चयन समिति के समकक्ष 25 अप्रैल 2003 तक आवेदन जो प्रस्तुत है वो यहाँ पर मांगे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं योग्यता जो है सीनियर सेकेंडरी BSTC, BEd, BPed, CPed, BPed, BP और समकक्ष अथवा उच्च यहाँ पर रखी गई। साथ ही स्थानीय भाषा एवं संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगोलिक शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी होना आवश्यक रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम क्लब्स, इनके हस्ताक्षर से विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें यहाँ पर जो आवेदन मांगे गए थे और जिसमें योग्यता जो रखी गई थी वो 12वीं BSTC, BEd, BPed, CPed, BP यहाँ पर जो है योग्यता रखी गई। साथ ही साथ इनका चयन भी किया गया वर्ष 2003 में, और यहाँ पर एक कार्यालय आदेश 11 मई 2003 को जारी किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है वो, बाद में नवीन पदनाम, पदस्थापन और पंजीयन संख्या और मानदेय, जिसमें आप देख सकते हैं जिनके पास योग्यता BA BEd थी उनको शिक्षा अनुदेशक बनाया गया, MCOM BEd थी उनको भी शिक्षा अनुदेशक बनाया गया, MA BEd थी उनको भी शिक्षा अनुदेशक यहाँ पर बनाया गया। साथ ही जिनके पास BA BEd थी उनको भी शिक्षा अनुदेशक बनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मानदेय 16,900 किया गया। जिनके पास MA BEd थी उनको भी शिक्षा अनुदेशक बनाया गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं करीब करीब जो है 114 के से ऊपर के जो शिक्षा अनुदेशक बनाने को जो आदेश है वो जारी किए गए, जिसमें यहाँ पर जो पार्टी है शहजाद अहमद वो भी शामिल हैं, जिनको BA BPed इनकी योग्यता थी, जिनको यहाँ पर शिक्षा अनुदेशक बनाते हुए मानदेय 16,900 रुपये यहाँ पर किया गया। लेकिन एक 10 जुलाई 2023 को एक संशोधित जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें पूर्व जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 419/25 दिनांक 11 मई 2023 का हवाला देते हुए चयनित जो हैं और नियुक्त जो कार्मिक हैं उनमें आंशिक संशोधित यहाँ पर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद शहजाद हैं वो जो पूर्व पदनाम और जो मानदेय इनका यथावत रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो दिनांक 11 मई 2023 की जो जारी आदेशों की जो शर्तें हैं वो यहाँ पर यथावत रखी। दोस्तों यहाँ पर जो इनका पदनाम है और जो मानदेय है वो संशोधित यहाँ पर कर दिया। पहले इनका मानदेय 16,900 किया था, पदनाम शिक्षा अनुदेशक किया गया था, लेकिन इनको वापस चेंज करते हुए पूर्व पदनाम और मानदेय यहाँ पर कर दिया, जिसमें यहाँ पर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 को लेकर यहाँ पर एक जो रिट याचिका है वो दायर की गई 1996/2023, जिसमें वर्ष 2003 में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसका हवाला यहाँ पर दिया गया, और मानदेय 16,900 पदनाम शिक्षा अनुदेशक करने की मांग यहाँ पर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने BPed, CPed व DPed को कंप्यूटर अनुदेशक बनाने के को लेकर मदरसा बोर्ड से जवाब तलब किया है। इन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें जो कंप्यूटर अनुदेशक थे उनकी जो योग्यता थी वो यहाँ पर
बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड और बीपी थी, लेकिन और उनके आधार पर उनका चयन हुआ। वर्ष 2023 में 11 मई 2023 को एक स्क्रीनिंग पश्चात आदेश जारी किया गया था, जिसमें कार्मिक का जो मानदेय वो 16,900 किया वह पदनाम शिक्षा अनुदेशक किया गया। लेकिन 10 जुलाई 2023 को आदेश का संशोधन हुआ और जिसमें 11 मई 2023 के जो आदेश थी उसमें कंडीशन डाली गई और जो कुछ कार्मिक थे 5 से 6 उनको पूर्व पदनाम और मानदेय यहाँ पर दिया गया, जबकि उनकी योग्यता यानी कि 2003 में जो विज्ञप्ति निकाली थी वो सही उनकी योग्यता थी, लेकिन उसमें कंडीशन डालते भी एक कंडीशन डाली कि जिन कार्मिकों को बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड की योग्यता है केवल और केवल उन्हीं को शिक्षा अनुदेशक बनाया जाएगा और मानदेय 16,900 रखा जाएगा। साथ ही मानदेय 16,900 और पदनाम को लेकर यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें इस तथ्य को कंसिडर करवाया गया। इसी को लेकर मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, साथ ही 2 सेट में नोटिस जारी यहाँ पर किए हैं। साथ ही मैं बता दूँ पेटिशनर की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह जी भावला ने यहाँ पर पैरवी की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।